रहे थे आपके प्रोज में चैप्टर नंबर 7 पैकिंग, और पैकिंग लिखा है जिरोम के जिरोम में, जिसमें पैकिंग करने की सारी इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी है। सबसे पहले जिरोम के जिरोम ने पैकिंग की सारे क्लोथ्स की, बूट्स वगैरह की, और उसके बाद जो खाने की चीज़ें हैं उसकी पैकिंग उसके दो दोस्त करते हैं, ठीक है। सो हैरिस एंड जॉर्ज, सो हैरिस एंड जॉर्ज बटर का हमने जब लास्ट में पढ़ा था तो बटर वाला एक एपिसोड पढ़ा था, किस तरह से एक बटर, एक मतलब ये लोग बटर ढूंढते हैं, कैसे फिर वो पीछे लगा मिलता है, और मतलब हैरिस के पीछे लगा हुआ था। सो ये सब हमने देखा, ठीक है। सो अभी हम 12th पैराग्राफ पे थे, लेक्चर 161, ये है हमारा पेज 86 बिहाइव में, और हम कर रहे थे पैकिंग। सो अभी एक नया नाम आया है इस स्टोरी में, जिसका नाम है मॉन्टमोरेंसी। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इज लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वान एट। इन सब में मॉन्टमोरेंसी भी प्रेजेंस था। मॉन्टमोरेंसी कौन था? मॉन्टमोरेंसी उनका एक डॉग था, पाला हुआ कुत्ता था, और मॉन्टमोरेंसी जो उनका डॉग था उसकी जो लाइफ में एम्बिशन क्या है कि मतलब मॉन्टमोरेंसी जो डॉग है उसकी एम्बिशन क्या है, उसका मकसद क्या है लाइफ में, उसका हर चीज़ में बीच में घुसना मकसद है, कि हर जो भी चीज़ ख़राब हो रही है उसमें बीच में घुसना है और फिर उसको गालियाँ खानी है या डांट खानी है। इफ़ यू कैन स्क्विम इन एनी वेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वॉन्टेड। स्क्विम का मतलब क्या होता है? घुस जाना, ठीक है। वो कहीं पे भी किसी भी चीज़ में घुस जाता है, जहाँ उसकी ज़रूरत ना हो तो भी घुस जाता है, और वो सामने वाले को पूरा हैरान करके रख देता है, सामने वाले के लिए परफेक्ट न्यूसेंस हो जाता है और लोग पूरे पागल हो जाते हैं। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और लोग उसके सर पे चीज़ें दे दे के मारते हैं। Then he feels his day has not been wasted. तो उसे लगता है कि भाई अब मेरा दिन सफल रहा। मतलब एक यहाँ पे एक कहते हैं ना व्यंग, उल्टी चीज़ कही जा रही है। मतलब मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इन सब के बीच मॉन्टमोरेंसी भी था, जो कि उनका डॉग था, उसकी ज़िंदगी में एक ही एम्बिशन है कि भाई सबके बीच में टांग अड़ाना और कहीं पे भी घुस जाना किसी भी चीज़ में, और सबको बिल्कुल न्यूसेंस, अपने जो हैरान करना, लोगों को पागल कर देना, अपने सर लोग उसके सर पे चीज़ें दे के मारे, और फिर तभी उसको लगता है कि मेरा दिन बेकार नहीं गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडिली फॉर एन आवर इज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन दिस हिज कंसेंट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। मतलब कोई आके उसको एक घंटे तक कंटिन्यूसली गालियाँ दे, एक घंटे तक कंटिन्यूसली उसको बोल बोल करे, और कोई उससे आके टकरा जाए, यही इसकी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम है, यही उसकी सबसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और जब वो ऐसे गालियाँ खाने में, लोगों को हैरान करने में सक्सेस हो जाता है, तो उसे लगता है कि भाई उसने तो बहुत अच्छा काम किया, महान काम किया, खुद को महान समझता है। एक तरह से ये मतलब एक व्यंग के तरीके में बता रहे हैं कि मॉन्टमोरेंसी भी मतलब इन सब के जैसा ही है, काम को बढ़ाने वाला, हैरान करने वाला, और रोज़ वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि उनका काम बढ़ा ही देता है। ऑलरेडी ये सब बेवकूफ़ों जैसे कर ही रहे हैं, सो उसमें मॉन्टमोरेंसी जो कि उनका डॉग है वो भी ऐसा करता है। सो पैराग्राफ 13 देखें। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. अब वो आ आ के चीज़ों पर बैठ जाता है जब भी, and just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever or George reached out their hand for anything that they wanted. अब क्या होता है, वो भी आके चीज़ों पे आके बैठ जाता है। मतलब सपोज अभी ये लोग कुछ पैक करना चाह रहे हैं तो वे उसी चीज़ पे आके बैठ जाएगा। अब मतलब जब समझो उनको जैम पैक करनी, अब वो क्या करेगा, जैम पे आके ही आके बैठ जाएगा।
फिर और उन्हें ऐसे लगता था, और फिर जब वो ऐसा हाथ आगे करते थे हैरिस या जॉर्ज की हमें कुछ चाहिए, तो सीधा अपना नाक, वो जो कुत्ते की काली नाक होती है, वो आगे कर देता था। ठीक है, मतलब उनको ऐसे लगता था कि उसकी काली नाक चाहिए, उनको ठंडी सी वो नाक चाहिए। वो क्या करता है मॉन्टमोरेंसी डॉग, वो अपना लेग जैम में डाल देता है। फिर वो लेमन्स होते हैं ना छोटे छोटे, उनको रैट्स समझता है, और फिर वो उन पे कूदता है। छोटे छोटे लेमन्स पड़े थे हैम्पर के अंदर, मतलब वो बैग के अंदर, खाने वाले बैग के अंदर, हैम्पर के अंदर लेमन पड़े थे, वो उनको रैट्स समझता है, चूहा समझता है, और वो कूदता है उन पे, मतलब अटैक करता है। एंड किल्ड थ्री ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद फ्राइंग पैन। उसमें से तीन लेमन तो बिल्कुल पिचका ही देता है वो, जब तक हैरिस उसके सर पे आके जोर से फ्राइंग पैन दे के मारता नहीं है, तब तक वो कुत्ता है, मतलब वो जो माउंटमरेंसी डॉग है, मतलब जैम के अंदर पैर डाल देता है, और जो हैम्पर के अंदर लेमन है उसको पूरा रगड़ देता है एकदम, वो उनको चूहा समझ के रगड़ देता है। मतलब इस तरह से वो पूरा खराब कर देता है सारा सामान मॉन्टमोरेंसी, मतलब उनको चूहा समझ के लेमन पूरा पिचका देता है, पूरा उसके बैग के अंदर घुस के। हैरिस सैड आई इनकरेज्ड हिम। हैरिस क्या बोलता है, हैरिस जिरोम को बोलता है, हैरिस जिरोम को बोलता है कि भाई मैंने उसे इनकरेज किया, मतलब हैरिस जिरोम को बोलता है कि तूने इसको इनकरेज किया, तूने उसको उकसाया कि ऐसा कर। सो आई डिडेंट इनकरेज हिम, अ डॉग लाइक दैट डजेंट वॉन्ट एनी इनकरेजमेंट। उसने कहा नहीं, मैंने उसको कुछ ऐसा इनकरेज नहीं किया है, मैंने कोई उसको प्रोत्साहन नहीं दिया है, इसके जैसा डॉग, जो ऐसा डॉग है उसको किसी की इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये तो इसमें नेचुरल है, ये इसमें एक ओरिजिनल सिन है, मतलब एक ओरिजिनल पाप है इसके अंदर, जो इसके साथ ही पैदा हुआ है, और वो ऐसी ऐसी चीजें करता है। मतलब हैरिस जीरोम पे वो डालता है कि भाई ये एक तो पहले से ही सबसे प्रॉब्लम हो रही है, और तूने मॉन्टमोरेंसी डॉग को भी भाई समझाया कि हमको ऐसे हैरान करे, जैम पे सब चीजों के ऊपर आके बैठ जाए, और जैम की शीशी के अंदर अपनी पैर डाल दे, और लेमन्स को स्क्वीज कर दे, ये सब तूने ही सिखाया। तो जेरोम बोलता है कि कुछ मैंने ऐसा नहीं सिखाया, मैंने उसको इनकरेज नहीं किया है, ऐसे कुत्तों को किसी के इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये लोग तो ओरिजिनली नेचुरली ही ऐसे पैदा होते हैं, और मतलब वो ऐसे ही चीज़ें करते हैं। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। फाइनली रात को 12:50 पे पैकिंग हो जाती है। ठीक है, द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। ठीक है, सो हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सैड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। जॉर्ज सैड इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। मतलब पैकिंग आखिर पूरी हुई 12:50 पे, और हैरिस जो उसने पैक किया था, जो हैम्पर जो इतना बड़ा बैग पैक किया था खाने का, तो उसने कहा कि भाई वो होप करता है कि कुछ भी टूटा हुआ ना मिले। सो जॉर्ज उस पे क्या कहता है, अच्छा हैरिस ये कब बोल रहा है कि टूटा हुआ ना मिले, वो उसी बड़े हैम्पर जो उन्होंने पैक किया खाने का उसी पे ही बैठ के ऐसे बोलता है। जॉर्ज सैड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम। सो जॉर्ज क्या बोलता है, इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। जॉर्ज मतलब ये सोच रहा है कि अगर कुछ टूटा होगा तो वो टूटा होगा, मतलब यही सोच उसको शांति दे रही कि टूटा तो टूटा वैसा, और हैरिस उसी पे बैठ के बोलता है कि कुछ टूटा नहीं होगा। ठीक है, सो ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड, वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। और फिर जॉर्ज बोलता है कि अभी वो सोने के लिए तैयार है, हम सबको नींद आ रही थी। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। उस रात हैरिस भी उन लोग के साथ ही सोने वाला था, और वो सब सोने के लिए ऊपर गए। वी टॉस्ट फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड।
फिर हम लोगों ने बैट्स लगाए और हैरिस ने बोला कि मुझे तेरे साथ ही सोना है, मतलब उसको जिरोम के साथ सोना था। डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे? तो जिरोम को वो पूछता है, कौन, हैरिस पूछता है कि क्या तू बेड के अंदर सोना पसंद करेगा कि बेड के बाहर सोना पसंद करेगा। सो आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, हैरिस सेड इट वॉज ऑड। सो जिरोम ने कहा भाई मेरे को तो बेड के अंदर सोना ही पसंद है। तो हैरिस ने कहा ये तो बहुत अजीब है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शल आई वेक यू फेलोज, जॉर्ज उनसे पूछता है मैं कितने बजे उठाऊँ तुम सबको सुबह, हमको जाना है तो कितने बजे उठाऊँ। सो हैरिस सेड सेवन, हैरिस क्या बोलता है 7 बजे उठा देना। आई सेड नो 6, और जिरोम बोलता है नहीं नहीं 6 बजे उठेंगे बाहर जाना है तो, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे उठ के कुछ लेटर्स लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट, अब हैरिस और जिरोम का इस पे झगड़ा चला, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30 वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। और लास्ट में फिर झगड़े को बीच में, मतलब कहते हैं ना तेरी ना मेरी, सो हमने बीच की बात कही और हमने जॉर्ज को बोला जॉर्ज हमें 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज ने कुछ आंसर नहीं किया और हमने देखा दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, वो तो ऑलरेडी सो गया था, मतलब जॉर्ज उनको कुछ जवाब नहीं दे रहा है, वो तो ऑलरेडी सो गया था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड अवर सेल्स। सो इसलिए हमने क्या किया, तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब जहाँ पे जॉर्ज सो गया था सो उन्होंने ऐसे उसके नीचे ही एक बाथ टब रख दिया, ठीक है, पानी के, पानी से भरा बाथ टब रख दिया ताकि वो सुबह जैसे ही उठे वो सीधा उसी में ही गिरे, ठीक है, और वो खुद सोने चले गए, ठीक है। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, ठीक है। सो इस तरह से उन्होंने बाथ टब उसके नीचे रख दिया कि भाई जैसे ही वो उठे वो उसी पे ही गिरे, जॉर्ज उठते ही उस पे ही गिरे, बाथ में ही गिरे और वो खुद सारे सोने चले गए, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे फनी लोग हैं जो कि एक ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं, रात के 12:50 को सो रहे हैं, इनको सुबह 6:30 उठना है, तो क्या सुबह उठ पाएंगे, जा पाएंगे। सो ये सारी स्टोरी है थ्री मैन इन अ बोट नॉवल में। ये नॉवल अगर आपको पढ़नी है तो मेरे ख्याल से ये पहले आपके कोर्स में भी थी, मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी नॉवल थी। सो ये नॉवल आपको 9th के 10th स्टैंडर्ड में, ये पहले बहुत पहले कोर्स था तब थी, ठीक है। सो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकती है, ये नॉवल है मीन्स। सो दैट वॉज अ फनी स्टोरी ऑफ पैकिंग बिटवीन जॉर्ज हैरिस एंड देयर फ्रेंड जिरोम, और जिरोम ने ही लिखा है मॉन्टमोरेंसी उनका डॉग था जो कि पागलों के बीच में पागलों का शहंशाह था, ठीक है। सो नाउ हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। मतलब उन्होंने फाइनली सो गए, जॉर्ज मतलब जॉर्ज पूछता है अलार्म कितने का सेट करूं, वो वैसे ही सो गए, और फिर वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। सो वो लोग ऐसी जगह पे बाथ रख के सो जाते हैं, बाथ टब रख के सो जाते हैं कि सुबह उठे तो सीधा उसमें ही गिरे और वो सब सोने चले जाते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, द चैप्टर इज ओवर। सो टेक्स्ट में देखें, यहाँ पे क्वेश्चन 1 थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में डिस्कस इन पेयर्स, क्वेश्चन 1 डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चंस बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30-40 वर्ड्स। मतलब एक साथ इन्होंने दो दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, 30-40 शब्दों में उनको आंसर करें। क्वेश्चन 1 हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नरेटिव, नेम देम, ठीक है, कि ये जो हमने स्टोरी दी है आपको इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उनका नाम लिखें। आंसर है देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नरेटिव इंक्लूडिंग द डॉग, तो 4 कैरेक्टर्स हैं डॉग को गिन के। सो डॉग को गिनो तो टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं,
दे आर द नरेटर, नरेटर को ब्रैकेट में आप जीरोम के जीरोम करके लिख सकते हो, दे आर द नरेटर, जॉर्ज हैरिस एंड द डॉग मॉन्टमोरेंसी। ठीक है, सो चार कैरेक्टर्स है, नरेटर जो कि जीरोम है, जॉर्ज हैरिस डॉग मॉन्टमोरेंसी। क्वेश्चन टू, व्हाई डिड नरेटर जीरोम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। जीरोम क्यों बोलता है कि मैं पैकिंग कर देता हूँ, वो क्यों वॉलंटियर करता है पैकिंग के लिए, क्यों बोलता है कि भाई मैं पैकिंग कर देता हूँ। सो आंसर इज द नरेटर फेल्ट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन लिविंग, मोर ओवर ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बॉस द जॉब एंड जॉर्ज एंड हैरिस वुड डू द जॉब अंडर हिज डायरेक्शंस। नैरेटर को लगता है कि उसको पैकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, किसी से भी ज़्यादा उसी को ही नॉलेज है पैकिंग के बारे में, और अगर उसे मौका मिलेगा तो वो एज अ बॉस, मतलब पैकिंग एज अ बॉस कराएगा किससे, जॉर्ज और हैरिस से, और जॉर्ज और हैरिस उसका उसका जो इंस्ट्रक्शन सुन सुन के वो पैकिंग करेंगे। क्वेश्चन थ्री, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड जीरोम लाइक देयर रिएक्शन। जॉर्ज और हैरिस इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, मतलब जॉर्ज और हैरिस जो हैं इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, और क्या जीरोम को उनका रिएक्शन अच्छा लगता है, मतलब जब जीरोम बोलता है मैं पैकिंग करूंगा तो उनको कैसा, वो क्या रिएक्ट करते हैं। सो जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द नरेटर सजेशन रेडिली बट जीरोम डिड नॉट लाइक इट। तो जॉर्ज और हैरिस तुरंत मान जाते हैं जब वो बोलता है मैं पैकिंग करूंगा, बिल्कुल मान जाते हैं भाई तू कर ले, और जीरोम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्वेश्चन फोर, वॉट वॉज जीरोम्स रियल इंटेंशन वेन ही ऑफर टू पैक। मतलब जब जीरोम बोलता है कि भाई मैं पैकिंग करूंगा, तब वो एक्चुअली क्या बोलना चाहता है। जीरोम्स रियल इंटेंशन वॉज टू बॉस द जॉब, मतलब वो क्या बोल रहा था कि पैकिंग में मैं तुमको एज अ बॉस मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे पैक करो। ही वॉन्टेड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड वर्क अंडर हिज गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस। वो चाहता था हैरिस और जॉर्ज उसकी बात माने और उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, बट दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड सेट आइडल ऑन द चेयर्स कंफर्टेबली। पर वो लोग सीधा उसकी बात मान लेते हैं जब वो उनको बोलता है कि भाई मैं आपके मतलब वो चाहता था वो मेरा इंस्ट्रक्शन सुने, मेरा गाइडेंस के अंडर पैकिंग करें, पर वो ऐसा बिल्कुल मान ही लेते हैं उसका प्रपोजल और एकदम फालतू आइडल चेयर्स पे बैठ जाते हैं, जाके चेयर्स पे आराम से बैठ जाते हैं। क्वेश्चन फाइव, व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वॉज शर्ट एंड स्ट्रैप्ड, व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। हैरिस ने जैसे ही जीरोम ने बैग बंद किया और उसको स्ट्रैप किया, मतलब पूरा उसको बंद किया, सो उस टाइम हैरिस क्या बोलता है और आप क्या सोचते हो उसने क्यों इतनी देर लगाई बोलने में। हैरिस आस्क्ड द नरेटर टू पुट द बूट्स इन द बैग आफ्टर स्ट्रैपिंग द बैग। जब जीरोम ने सब कुछ बंद कर दिया तब हैरिस नरेटर को बोलता है भाई बूट्स तो डाल दे बैग में। He did it with an intention to irritate the narrator. ये उसने ऐसा क्यों किया, उसने बीच में क्यों नहीं बोला कि बूट्स डाल, वो उसको हैरान करना चाहता था जीरोम को इसीलिए। What horrible idea occurred to Jerome a little later? अब जीरोम के मन में कौन सी एक हॉरिबल बात आई जिसने जीरोम को परेशान कर दिया। जीरोम was going to close the bag after पुटिंग द बूट्स इन इट, मतलब जीरोम ने बैग पैक किया, बूट्स पैक करने के बाद उसने बैग पैक किया। ही सडनली थॉट ऑफ हिज टूथब्रश, और अचानक से उसे अपना टूथब्रश याद आ गया। वाइल ट्रैवलिंग ही मस्ट नीडेड द टूथब्रश विच ही पैक्ड इन द बैग। उसको लगा कि भाई मेरे को तो भाई टूथब्रश की जरूरत होगी ट्रैवलिंग के दौरान, सो नाउ ही हैड टू सर्च फॉर इट इन द बैग। इसलिए वो वापस उसको पूरा बैग में ढूंढने लगा, मतलब कौन सी हॉरिबल आइडिया ने उसको हैरान कर दिया, टूथब्रश की। ठीक है, सो उसको टूथब्रश की याद आई कि भाई मेरे को ट्रैवलिंग के टाइम तो टूथब्रश तो ज़रूर चाहिए होगा, जो मैंने कि बैग में पैक किया है नहीं किया, मतलब उसके मन में ऐसा आया और इसलिए वो उसको सर्च करने लग गया बैग में। वेयर डिड जीरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश, आखिर जीरोम को टूथब्रश कहाँ मिलता है। जीरोम ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश, जीरोम ने पूरी पूरी कोशिश की कि वो टूथब्रश ढूंढे
सो उसको कहाँ मिला टूथब्रश? ही अनपैक द बैग बट कुड नॉट फाइंड इट. पूरा सब निकाल दिया पर वो ढूंढ नहीं पाया. ही पुट द बैग थिंग्स बैक वन बाय वन, एक एक करके चीजें डालने लगा. एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट. सब अंदर डाल के उसने एकदम जोर से शुक किया, बैग को हिलाया. एट लास्ट ही फाउंड इट इन साइड अ बूट. लास्ट में उसको टूथब्रश कहाँ मिलता है? एक बूट के अंदर. वाई डिड जिरोम हैव टू री ओपन द पैक्ड बैग? जिरोम को पूरा बंद किया गया बैग फिर से क्यों खोलना पड़ा, री ओपन क्यों करना पड़ा? जिरोम पैक्ड हिज स्पेक्टेकल्स इन द बैग सो ही हैड टू री ओपन द पैक बैग. जिरोम ने अपने चश्मे भी उसी बैग में बंद कर दिए थे, इसलिए वो अपने चश्मे स्पेक्टेकल्स निकालने के लिए उसे वापस पूरा बैग खोलना पड़ा. क्वेश्चन 9. वॉट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई? जॉर्ज और हैरिस ने क्या बोला कि हम पैक करते हैं क्यों? जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक हैम्पर. हैम्पर मतलब खाने का सामान, ठीक है. सो जॉर्ज और हैरिस ने ऑफर किया कि हम खाने का सामान बैग में भरेंगे बिकॉज दे वॉन्टेड जिरोम टू टेक सम रेस्ट. वो चाहते थे जिरोम अब शांति से बैठे. दे डिसाइडेड टू पैक द रेस्ट ऑफ थिंग्स देमसेल्फ्स. इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि बाकी सामान की पैकिंग वो लोग खुद ही कर लेंगे. क्वेश्चन 10 देखें. वाइल पैकिंग द हैम्पर जॉर्ज एंड हैरिस डू अ नंबर ऑफ फुलिश एंड फनी थिंग्स. टेक द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू. यहाँ पे आपको टोटल 10 चीजें लिखी गई हैं. सो जब वो हैम्पर पैक करते हैं तो जॉर्ज और हैरिस कुछ पागलों जैसी फनी फुलिश फनी चीजें करते हैं. सो जो सही में उन्होंने किया है उसको टिक करो. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. जब उन्होंने हैम्पर पैक करना चालू किया तो जॉर्ज और हैरिस ने सबसे पहले कप तोड़ा. क्या ये सही बात है? स्टेटमेंट ट्रू है. सो यस द स्टेटमेंट इज ट्रू. इसे टिक करते हैं. दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट. उन्होंने एक प्लेट भी तोड़ी. तो ये क्या सही बात है? नहीं, उन्होंने प्लेट तो नहीं तोड़ी, सिर्फ कप तोड़ा. दे स्क्वैश्ड अ टोमेटो. उन्होंने टोमेटो को पिचका दिया. सो इज इट ट्रू? सो हाँ, उन्होंने टोमेटो को पिचका दिया. दे ट्रोड ऑन द बटर. वो बटर पे फिसल गए. तो क्या ये ट्रू है? सो यस दिस इज ट्रू. दे ट्रोड ऑन द बटर. दे स्टैप्ड ऑन अ बनाना. वो बनाना पे फिसल गए. तो बनाना तो था ही नहीं पैकिंग में. सो दिस इज फॉल्स. दे पुट थिंग्स बिहाइंड दैम एंड कुडंट फाइंड दैम. वो चीज़ें अपने पीछे रख देते थे और फिर उन्हें मिलती नहीं थी. तो ये भी सही बात है. ऐसा था स्टोरी में कि वो चीज़ें पीछे रख देते थे और उन्हें कुछ भी मिलता ही नहीं था, ठीक है. इसके बाद दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स. वो चीज़ों पे चढ़ जाते थे. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. दे पैक्ड द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप. उन्होंने पिक्चर्स पैक किए थे. पिक्चर्स नहीं, उन्होंने हल्की हल्की चीज़ें पहले पहले पैक करी थी और उसके ऊपर भारी चीज़ें पैक करी. पिक्चर्स नहीं की थी उन्होंने. दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरी थिंग. उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया जॉर्ज और हैरिस ने. सो दैट इज ट्रू. उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया. दे वर वेरी गुड एट पैकिंग. वो पैकिंग में बहुत अच्छे थे. दैट इज़ अ वेरी फॉल्स थिंग. ये तो बहुत गलत चीज़ बोल रहे हैं. सो सही चीज़ें ये हैं. फर्स्ट वाली सही है. थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड नाइन्थ, ठीक है. सो ये हैं आपके 10 क्वेश्चंस. अभी हम 11th देखते हैं. सॉरी 10th ही है. अभी हम सीधा क्वेश्चन 2 देखते हैं. क्वेश्चन 2. वॉट डज जिरोम से वॉज मॉन्टमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ. वॉट डू यू थिंक ऑफ मॉन्टमोरेंसी एंड वाई? जिरोम मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या बोलता है कि मॉन्टमोरेंसी का जिंदगी में उद्देश्य क्या है? और आप लोग मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों? मॉन्टमोरेंसी का जिंदगी में एम्बिशन है कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना और गालियाँ खाना. He wants to be a perfect nuisance and make people mad. वो लोगों को पागल कर देना चाहता है, सबको पूरा हैरान करना चाहता है. If things are thrown at his head, he feels his day has not been wasted. जब तक उसके सर पे दो तीन चीज़ें दे ना मारो तब तक उसको लगता है कि मेरा दिन वेस्ट गया. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. किसी से टकरा जाना, किसी का एक घंटे खड़े होके गालियाँ खाना, कर्स मतलब गालियाँ खाना, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम है. ही केम एंड सेट ऑन थिंग्स जस्ट वैन दे वर गोइंग टू बी पैक्ड. वो आके चीज़ों पे बैठ जाता है
जब चीजें पैक होने वाली होती हैं। ही पुट हिज लैग इन टू द जैम एंड वरीड द टी स्पून्स एंड प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स एंड गॉट इन टू द हैम्पर। अब वो अपना पैर जैम में डाल देता है, उसको छोटे चम्मचों की चिंता हो जाती है और वो उसको लगता है कि जो रेड्स हैं वो जो लेमन्स हैं वो रेड्स हैं, और वो हैम्पर के अंदर घुस जाता है, उस पैक बैग के अंदर घुस जाता है और उनमें से तीन को मार भी देता है, मतलब तीन को वो पिचका देता है लेमन को। सो इस तरह से मॉन्टमोरेंसी के बारे में जिरोम डिस्क्राइब करता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 दिया हुआ है। ऑफ द थ्री जिरोम जॉर्ज हैरिस हु डू यू थिंक इज द बेस्ट और वर्स्ट पैकर, सपोर्ट योर आंसर्स विद डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। जो तीन लोग हैं, जिरोम जॉर्ज हैरिस, इन तीनों में से आपको कौन लगता है कौन बेस्ट पैकर है कौन खराब पैकर है, सो आप उस आंसर को सपोर्ट करो डिटेल्स के साथ। सो तीनों में से, सो ऑफ द थ्री कौन था वर्स्ट पैकर, तीनों में से वर्स्ट पैकर कौन था, जिरोम जॉर्ज हैरिस में से कौन वर्स्ट पैकर था, सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आंसर इज ऑफ द थ्री हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। सो क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 1 कर रहे हैं हम, जिसमें पूछ रहे हैं तीनों में से सबसे खराब पैकर कौन था। सो तीनों में से हैरिस था, क्योंकि ये वाली चीज जो है चैप्टर में ही जीरोम नहीं बोली है, राइटर नहीं बोली कि हैरिस वर्स्ट है, बट नन ऑफ दैम इज द परफेक्ट पैकर, पर कोई भी परफेक्ट नहीं था तीनों में से। ऑल ऑफ दैम आर कन्फ्यूज एंड डू नॉट नो वॉट इज टू बी प्लेस्ड एंड वेयर, सब कन्फ्यूज ही हैं इस स्टोरी में। सो फार एज जीरोम इज कंसर्न ही अनपैक द बैग टू फाइंड इज टूथब्रश इन अ बूट। जैसे अगर जीरोम की बात करो, उसको टूथब्रश ढूंढना था बूट में से, उसने स्पेक्टेकल्स बंद कर दिए। हैरिस एंड जॉर्ज उन्होंने ऐसे ही मस्ती में चालू किया, फिर उन्होंने प्लेट्स कप्स कैटल्स बॉटल्स जार्स पाई स्टोव केक्स टोमेटोज ये सब उन्हें करना था, कप ब्रेक कर दिया। हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम टोमेटो के ऊपर रख दिया, स्क्वैश कर दिए टोमेटो, उनको टोमेटो को स्पून से उठाना पड़ा। जॉर्ज बटर पे फिसल रहा था, फिर उसको अपने स्लिपर से उठाया, उसको कैटल में डाला, फिर चेयर पे रखा, हैरिस उस पर बैठ गया, वो उस पर चिपक गया, पूरे रूम में ढूंढते रहे। इस तरह से उन्होंने पूरे रूम में केओस मचा दिया। केओस मतलब एक कहते हैं ना, पूरा सब बिखेर के रख दिया पूरा रूम। सो तीनों में से कोई भी अच्छा पैकर नहीं है, पर अगर वर्स्ट पैकर वो हैरिस है। ठीक है, क्यों हैरिस है, क्योंकि जिरोम ने इसी स्टोरी में बोला है। क्वेश्चन 2 है, हाउ डिड मॉन्टमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग, मॉन्टमोरेंसी जो डॉग है उसने क्या किया पैकिंग में। मॉन्टमोरेंसीज कंट्रीब्यूशन टू द पैकिंग कैन नॉट बी फॉरगॉटन, उसका तो जो भूल ही नहीं सकते हैं। क्यों, हिज एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू डिस्टर्ब अदर्स, उसका एक ही लाइफ में एम्बिशन है कि दूसरों को हैरान करना, दूसरों की गालियाँ सुनना। वो आता है चीज़ों पर बैठ जाता है जब उन्हें पैक करना होता है, और वो अपना जो पैर डाल देता है जैम में, वो डिस्टर्ब करता है सब कुछ, उसको लेमन रेड्स दिखते हैं और पूरा हैम्पर ख़राब कर देता है, और तीन लेमन ख़राब कर देता है, उन्हें मार देता है। मॉन्टमोरेंसी एक परफेक्ट न्यूसेंस, सबको पूरा हैरान करना चाहता है, लोगों को पूरा पागल कर देना चाहता है, और उसके सर पे भी आप चीज़ें दे मारो तो जब तक ऐसा ना करो उसको लगता है उसका दिन वेस्ट गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, कोई उसको डांटे, उसको एक घंटे तक डांटता ना रहे, उसका वही पूरा एम होता है। और जब वो सब कुछ करने में कामयाब होता है तो वो एकदम खुश हो जाता है कि भाई मेरा काम पूरा हुआ। सो इस तरह से ये मॉन्टमोरेंसी है। क्वेश्चन 3, डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी, क्या आपको ये स्टोरी फनी लगी, वॉट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स इन इट, इसमें कौन सी फनी चीजें हैं जो आपको ये स्टोरी एकदम फनी लगती है। सो द स्टोरी इज रियली ह्यूमरस एंड फनी, बहुत ही फनी स्टोरी है। जिरोम्स एपिसोड ऑफ पैकिंग, हैरिस एंड जॉर्ज वे ऑफ पैकिंग एंड मॉन्टमोरेंसी कंट्रीब्यूशन हैव मेड द स्टोरी फनी एंड। सो तीन एपिसोड्स जो इसे फनी बनाते हैं, पहला जिरोम का एपिसोड ऑफ पैकिंग, जिरोम जैसे पैकिंग करता है, दूसरा हैरिस एंड जॉर्ज वे ऑफ पैकिंग, हैरिस और जॉर्ज जैसे खाने पीने की चीज़ें पैक करते हैं, तीसरा मॉन्टमोरेंसी जो डॉग है वो जो करता है। सो ये तीन चीज़ें स्टोरी को फनी और इंटरेस्टिंग बनाती हैं। जिरोम कैसे कॉमेडी करता है स्टोरी में, जिरोम वॉज कन्फ्यूज अबाउट हिज टूथब्रश एंड फाउंड इट इन अ बूट, जिरोम टूथब्रश को लेके कन्फ्यूज है, उसे बूट में मिलता है वो।
ही ऑल्सो पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग, वो अपने जो चश्मे भी बंद कर देता है बैग में. द इंसिडेंट ऑफ बटर मेक्स द रीडर लाफ, और फिर वो जो बटर का इंसिडेंट है उसमें सबको हंसी आती है. जॉर्ज ट्रेड्स ऑन द बटर, जॉर्ज बटर पे फिसलता है, वो उसकी स्लीपर पे चिपक जाता है. फिर वो उसको चेयर पे रखता है, हैरिस चेयर पे बैठता है और वो उसके पीछे चिपक जाता है. और टोमेटोज को स्क्वैश करते हैं, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम की बॉटल रख देते हैं. और मॉन्टमोरेंसी प्रिटेंड करता है कि लेमन्स रैट हैं, वो भी एक फनी चीज़ है. सो दीज इंसिडेंट्स आर डिस्क्राइब इन एन ऑर्डरली एंड परफेक्ट, एकदम कॉमिक वे में ये सब दिखाया गया है स्टोरी में. ठीक है, अब इसके बाद थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इसी चैप्टर के. बच्चों अभी पेज नंबर 90 आपकी एनसीईआरटी में हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए, वो सब आपको लिखने हैं. अब एनसीईआरटी में ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो आपको एनसीईआरटी में ही कंप्लीट करने हैं. स्लेविंग, स्लेविंग का मतलब क्या होता है? सो यहाँ सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं और सामने वाले बी में आपको उसकी मीनिंग ढूंढनी है. सो स्लेविंग का मतलब क्या होता है? सो स्लेविंग का मतलब होता है, स्लेविंग का मतलब मेहनत वाला काम करना. सो वर्किंग हार्ड. सो अभी फर्स्ट वाला एट्थ वाले के साथ मैच हो रहा है, सो यहाँ फर्स्ट दे दूंगी. सेकंड है केओस. ठीक है, केओस का मतलब होता है एकदम सब अस्त व्यस्त हो जाना, कंफ्यूजन, सब डिसऑर्डर. सो केओस का मतलब है कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर. सो ये इसके साथ मैच हो रहा है. रूमेज. सो रूमेज का मतलब क्या है? रूमेज का मतलब जब हम ऐसे एकदम चीज़ें कैसे ढूंढते हैं, ऐसे मतलब कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो ऐसे इतनी बुरी तरह से सब चीज़ें निकालते हैं केयरलेसली कि सब बिखेर देते हैं. ठीक है, सो चीज़ें ढूंढते टाइम कुछ बिखेर देना. सो रूमेज का मतलब सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड हरीडली और केयरलेसली, एकदम अस्त व्यस्त कर देना. सो रूमेज का मतलब ये. फिर स्क्रेप आउट. स्क्रेप आउट का मतलब क्या होता है? स्क्रेप का मतलब एक चीज में से दूसरी चीज एकदम नाइफ से या किसी नुकीली चीज से निकालना. स्क्रेप मतलब निकालना. सो स्क्रेप आउट का मतलब रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड अनदर थिंग यूजिंग अ शार्प टूल. ठीक है, नाइफ वगैरह से या किसी भी चीज से एक चीज रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड अनदर थिंग. ठीक है, सो किसी और चीज से कोई चीज निकालना शार्प टूल की मदद से. ठीक है, सो फोर्थ, ये हुआ हमारा फोर्थ. फिर है स्टम्बल ओवर, टम्बल इनटू. अब स्टम्बल ओवर डॉग के लिए यूज हुआ था. सो स्टम्बल ओवर का मतलब गिर जाना. ठीक है, वो डॉग गिरता पड़ता रहता था. सो और टम्बल का मतलब क्या होता है? टम्बल मतलब एकदम अजीब तरह से चलते चलते गिरना. ठीक है, सो इसका मतलब है ये रहा, फॉल और स्टेप ऑकवर्डली वाइल वॉकिंग. ठीक है, फिफ्थ का ये इसके साथ मैच हो रहा है. सिक्स्थ अकम्प्लिश. सो अकम्प्लिश का मतलब क्या होगा? अकम्प्लिश का मतलब है कि फाइनली कुछ बहुत ही अच्छे से खत्म कर देना. ठीक है, अकम्प्लिश मतलब कुछ अच्छे से खत्म कर देना. सो फिनिश सक्सेसफुली या अचीव. सो अकम्प्लिश का मतलब फिनिश सक्सेसफुली या अचीव. सेवंथ अनकेनी. अनकेनी का मतलब क्या होगा? सो अनकेनी का मतलब होता है कि कुछ एकदम अजीब सा, कुछ एकदम कहते हैं ना रहस्यमय, वैसा कुछ. सो अनकेनी, सो स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. ठीक है, सो ये हुआ हमारा अनकेनी. सो सेवंथ. एट्थ टू हैव और गेट इन टू अ रो. मतलब इसका मतलब टू हैव और गेट इन टू अ रो. रो मतलब ये देखो, आगे भी खाली अ रो मत देखो, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? टू हैव और गेट इन टू अ रो का मतलब झगड़े में पड़ना, किसी के साथ कॉरल करने लग जाना, आर्ग्यूमेंट. भाई मैं आई स्टार्टेड गेटिंग इन टू रो विद माई कलीग. ठीक है भाई, मैं उससे झगड़ने लगी. तो रो का मतलब यहाँ कॉरल है, आर्ग्यूमेंट है. सो ये एट्थ नंबर. ठीक है, अच्छा अभी यहाँ देखें क्वेश्चन टू क्या बोल रहा है.
यूज सुटेबल वर्ड्स और फ्रेसेस फ्रॉम कॉलम ए अबव टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। यहाँ पे आपको जो कॉलम ए है, ठीक है, ये जो कॉलम ए है, ये वाले सारे शब्द आपको यहाँ इसमें इस पैराग्राफ में बिठाने हैं, ठीक है। अब आपको इन सब का मतलब तो पता चल गया, इन फ्रेसेस का मतलब तो पता चल गया है, इन फ्रेसेस को आपको इसमें बिठाना है इस पैराग्राफ में। सो ड्यूरिंग पावर कट्स व्हेन ट्रैफिक लाइट्स गो ऑफ देयर इज अटर ब्लैंक एट क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स मतलब चार रास्ते पे। सो जब लाइट एकदम मतलब पावर कट हो जाता है, मतलब जब पावर कट हो जाता है, मतलब जब लाइट चली जाती है और सारी ट्रैफिक की लाइटें बंद हो जाती हैं, सो क्रॉस रोड पे क्या हो जाता है, एकदम केओस। हमने पढ़ा था ना केओस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको केओस का मतलब बताया था, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर। केओस का मतलब अस्त व्यस्त हो जाना। ड्राइवर्स एड टू द कन्फ्यूजन बाय ब्लैंक ओवर देयर राइट ऑफ वे एंड नियरली कम टू ब्लोज। और ये जो ड्राइवर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और एकदम एक दूसरे को टक्कर मारने पे आ जाते हैं। सो ड्राइवर्स क्या करते हैं, कन्फ्यूजन बाय झगड़ झगड़ने पे आ जाते हैं ना, गेटिंग इन टू अ रो, झगड़ने लग जाते हैं एक दूसरे को टेक ओवर के कर। सो गेटिंग इन टू अ रो, गेटिंग इन टू अ रो। इसके बाद समटाइम्स पासर्स बाय सीइंग अ फ्यू पुलिसमैन ब्लैंक एट रेगुलेटिंग ट्रैफिक स्टेप इन टू हेल्प। कई बारी तो राह चलते लोग भी देखते हैं ना कि पुलिस वाले, सो पुलिस वाले क्या होते हैं, वर्किंग हार्ड, मतलब पुलिस वाले इतना हैरान हो रहे होते हैं तो कुछ चलते लोग भी हेल्प करने आ जाते हैं। स्लेविंग मतलब पुलिस वाले, स्लेविंग ये जो फर्स्ट वर्ड था ना, स्लेविंग ये वाला, पुलिस वालों को ऐसे एकदम वर्क हार्ड करते देख कुछ रेगुलर लोग भी हेल्प करने लग जाते हैं। दिस गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ हैविंग ब्लैंक समथिंग। सो वो जो पासर्स बाय होते हैं उनको एक ऐसी फीलिंग आती है कि भाई उन्होंने कुछ अच्छा किया, सो अकम्प्लिश किया। सो अकम्प्लिश्ड ये 6th नंबर, भाई कुछ अचीव किया, कुछ कंप्लीट किया, अच्छा काम किया, सो अकम्प्लिश्ड, ठीक है। सो इस तरह से आपने ये फ्रेसिस बिठाने हैं अकम्प्लिश्ड, ठीक है। बच्चों अभी पेज 91 पे देखो, क्वेश्चन टू, द टेबल बिलो हैज सम प्रोवर्ब्स टेलिंग यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऐड अ फ्यू मोर सच प्रोवर्ब्स टू द टेबल। प्रोवर्ब का मतलब आपको, प्रोवर्ब मतलब कहावतें, तो आपको यहाँ दोनों टेबल्स में दो कहावतें दोनों साइड दी हुई हैं, आपको खत्म करनी है, ठीक है। सो एक पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव वे में कहावत गई गई है, एक नेगेटिव वे में। सो पॉजिटिव में लिखी गई है, फर्स्ट सेव फॉर अ रेनी डे। सेव फॉर अ रेनी डे मतलब हमेशा बचत करो, इस कहावत का मतलब है हमेशा, कभी बुरे दिन भी आ जाएंगे, रेनी डे मतलब कभी ऐसे नहीं हमेशा अच्छा ही चलता रहेगा, कभी बुरे दिन भी आएंगी तो बुरे दिन के लिए बचत करो, सेव फॉर अ रेनी डे। यहाँ एक नेगेटिव प्रोवर्ब है, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट, सॉरी स्पिल्ट मिल्क। दूध अगर बह जाए अब उस पे रोने ना बैठो, ठीक है। अगर कुछ जो हो गया सो हो गया, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अगर कुछ हो गया जो बीत गया सो बीत गया, दूध बह गया, दूध गिर गया तो गिर गया। सो ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। फिर सेकंड है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ठीक है। हमें तभी घास बना लेनी चाहिए जब सूरज उगे, ठीक है, सूर्य उगे तभी हमें हमारे काम करने, मतलब जब टाइम हो तभी काम कर लेना चाहिए। सेकंड इसमें, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब हॉर्स के आगे आप कार्ट मत रख दो, हॉर्स के आगे आप टांगा मत रख दो, ठीक है। सो ये कहावत है। अब देखो थर्ड है, ब्लैंक बिफोर यू लीप। अब इसका मतलब क्या है, लुक, ठीक है, लुक बिफोर यू लीप, जब आप जंप मारते हो तब देखो, लुक बिफोर यू लीप मतलब जहां आप जंप मार रहे हो, जहां आप जा रहे हो वहां देखो। ब्लैंक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। सो डोंट मेक अ माउंटेन मतलब राई का पहाड़ मत बनाओ, डोंट मेक, कई लोग होते हैं ना छोटी बात का बतंगड़ बना लेते हैं, सो पहाड़ मत बना लो, छोटी सी बात का पहाड़ मत बनाओ।
और कहीं जा रहे हो तो पहले देखो, मतलब कूदने से पहले देखो कि आगे है क्या। ब्लैंक एंड लिव, सो ये तो आपको पता ही है, लिव एंड लेट लिव, जी और जीने दो, ठीक है। ब्लैंक ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सो डोंट काउंट योर एग्स, डोंट पुट ऑल योर एग्स, डोंट पुट मतलब हमेशा अपना जो सारे एग्स एक ही बास्केट में मत रखो। इसका मतलब क्या हुआ, सारी चीजें एक ही जगह मत रख दो अपनी। जैसे चोर है, तो अगर आप सब सारा सोना अपना सारा रिस्क घर में एक ही अलमारी में रखोगे तो जब चोरी होगा तो सब साथ में होगा। तो उसी तरह से सारे अंडे एक साथ मत रखो एक ही बास्केट में, टूटेंगे तो सब साथ में टूटेंगे, ठीक है। सो ये थी हमारी चार कहावतें जिनको हमने पूरा किया, दो कहावतें हमने पूरी की और दो दी हुई थी, ठीक है, प्रोवर्ब्स थे। पीछे फिर राइटिंग पार्ट है, फिर स्पीकिंग पार्ट है। सो ऑलमोस्ट अवर चैप्टर इज ओवर हेयर, ठीक है। सो जस्ट हमने यहाँ पे टेक्स्ट में हमने ये 90 पेज पे मैच किया, फिर हमने 90 पेज पे ही क्वेश्चन टू में ब्लैंक्स फिल किए, एंड देन हमने 91 पेज पे ही क्वेश्चन टू में हमने ये पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें भी की, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, आज हमने ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था पैकिंग। एंड आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं आपकी नोटबुक में जो हमने डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, राइट इन द गुड हैंड राइटिंग, बहुत ही ज़्यादा उतावड़ ना करें लिखने में, अच्छी राइटिंग लिखें। एंड वो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपके टेक्स्ट NCERT में ही कंप्लीट करें। एंड प्लीज़ डू व्हाट्सएप मी ईच एंड एवरी थिंग। थैंक यू।